अब आगे चलते हम लोगों ने एक ग्रुप पढ़ लिया था जो हमारे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट थे, उनके चार ग्रुप बताए थे जिसमें से अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स पढ़ लिया था। आज नंबर है दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके फ्लैजिला पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फ्लैजिलेटेड। सबसे पहले याद रखना है इस समूह के सदस्य अकेले या समूह में पाए जाते हैं, अकेले पाए जाएंगे या तो समूह में पाए जाते हैं। अब उसके बाद जो है इनमें क्या होता है, इनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जो फ्लैजिलेटेड के अंदर जो पैरासाइट होते हैं, जो ऐसे जीव परजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो लिखते हैं परजीवी सदस्य मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो परजीवी होते हैं दूसरे जीवों के ऊपर रहकर उनसे भोजन भी प्राप्त करते हैं, उनसे रहने की जगह लेते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी। अब इसी तरह होता है, एक एग्जांपल में एक दो याद रखेंगे। नंबर एक होता है ट्रिपैनोसोमा, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। एक एग्जांपल ये याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे लिस्मानिया। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न होती है, और लिस्मानिया से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है काला अजार। तो ये दो परजीवी हैं इसके अंदर, फ्लैजिलेटेड के अंदर दो परजीवी हैं जिनसे जो है ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, लिस्मानिया से काला अजार होता है। अब ये अगर परजीवी है तो इन परजीवी को कोई ना कोई जीव क्या करता होगा, ले जाता होगा, वेक्टर की तरह क्या करता होगा, काम करता होगा। तो इसका वेक्टर भी याद रख ले यहीं पर, इसका भी वेक्टर याद रख ले। इसका वेक्टर का नाम होता है सीसी फ्लाई, इस वेक्टर का नाम होता है सैंड फ्लाई। तो ये हो गया हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, कौन सा खत्म हो गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिलिएटेड। फ्लैजिलेटेड तो खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग सिलिएटेड वाले जो जिनके अंदर सीलिया उपस्थित होते हैं। तो नंबर तीसरा है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोअन। फिर इसके सदस्य जलीय और सक्रिय रूप से गमन करते हैं, पानी में रहते हैं और पानी के अंदर सक्रिय रूप से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सक्रिय का मतलब होता है जहाँ पर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े उसे कहते हैं सक्रिय, जहाँ पर आपको एनर्जी ना खर्च करनी पड़े उसे कहते हैं निष्क्रिय, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में पैसिव। अब इनके शरीर के अंदर जो है एक कैविटी, एक गुहा पाई जाती है, इनके शरीर में एक गुहा, उस गुहा को कहते हैं हम लोग गुहा होती है जो शरीर के बाहर
बाहर खुलती है। ये बात याद रखेंगे। और जो ये सीलिया होता है इनके अंदर, मान लीजिए ये हमारा अगर कोई एक जीव है, इसमें इस तरीके से बहुत छोटे छोटे ये जो है बाल की तरह संरचनाएं निकली रहती हैं, इन्हें ही कहते हैं सीलिया। और ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें सीलिया निकले उन्हें कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। अगर इस शरीर को आगे बढ़ाना है तो हर एक सीलिया को एक निश्चित क्रम में, जिस तरीके से एक क्रम में सभी गति कर रहे हैं सीलिया, सभी एक ही दिशा में गति करेंगे, तभी ये हमारी नाव क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ऐसा समझो नाव है, हमारी नाव के पास जो है दो चप्पू लगे होते हैं, अगर दोनों चप्पू एक ही दिशा में काम करें तब नाव आगे बहेगी। अगर तुमने एक चप्पू इधर चला रहे हो एक चप्पू उधर, तो तुम्हारी नाव कहीं पर भी नहीं जाएगी। इसीलिए चप्पुओं को, नाव के चप्पू को एक ही दिशा में और दोनों संयोजन के साथ कोऑर्डिनेटेड साथ साथ जो है चलाना होता है। इसी तरह अगर आपको इस शरीर को आगे बढ़ाना है तो सीलिया को एक साथ एक दिशा में संयोजन के साथ क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो वही बात लिखेंगे, सीलिया संयोजन के साथ एक दिशा में गति करते हैं, एक दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है उसका नाम होता है, एग्जाम्पल में याद रखेंगे, पैरामीसियम। पैरामीसियम चप्पल के आकार की आकृति होती है, सुना होगा आपने, तो पैरामीसियम हो गया। अब चौथा वाला पड़ बचा है उसको भी जल्दी से खत्म कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है, इस समूह सदस्य, इस समूह के सदस्य अकेले रहते हैं या समूह में पाए जाते हैं, इनमें फ्लेजिला उपस्थित होता है। परजीवी सदस्य मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे लिखा है ट्रिपोएनोसोमा जो है स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी करता है, लिस्मानिया जो है कालाजार नाम की बीमारी करता है। ट्रिपेनोसोमा परजीवी को सीसी फ्लाई लेकर जाती है मनुष्य तक, लिस्मानिया को सैंड फ्लाई लेकर जाती है मनुष्य तक। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या है, इसके सदस्य जलीय होते हैं और सक्रिय रूप से क्या करते हैं, गमन। अगर नाव को आपको आगे बढ़ाना है तो ऊर्जा खत्म ही करनी पड़ेगी, सक्रिय होना ही पड़ेगा। इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे गलेट कहते हैं, जो शरीर के बाहर खुलती है। सीलिया जो है संयोजन के साथ, ये नहीं कि एक सीलिया इधर चल रहा है तो दूसरा वाला उधर चले, सभी एक ही दिशा में कार्य करते हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो शरीर है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा संयोजन के ढंग से। और एग्जाम्पल में याद रखेंगे आप पैरामीसियम। अब उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोगों को एक और पढ़ना है जिसका नाम है स्पोरोजोअन, नंबर चार पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चौथे नंबर पर स्पोरोजोन। स्पोरोजोन का मतलब क्या है, स्पोर। स्पोर का मतलब क्या होता है, बीजाणु। तो लिखेंगे इस सदस्य के जीवन काल में एक बीजाणु स्पोर धारण करने वाली स्टेज आती है।
यानी इस सदस्य क्या जीव क्या होते हैं, इनके अंदर इनके लाइफ साइकिल में जो है क्या होता है, स्पोर जो है बीजाणु बनाने वाली एक स्टेज आती है, और इनमें से सबसे अधिक अधिक कुख्यात कौन होता है, प्लाज्मोडियम। सबको पता होगा प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। तो इनमें या सबसे अधिक कुख्यात प्लाज्मोडियम होता है जो मनुष्य में क्या उत्पन्न करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है। ये बात हो गई पूरी हमारी कंप्लीट, किसकी, प्रोटिस्टा की हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा तो कंप्लीट हो गया है ये, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टर से हम लोग जो है नया स्टार्ट कर देंगे, फंजाई जिसे कवक कहते हैं, कवक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर बस आप याद रखिए कि ये वाला हमारा प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। स्पोरोजोन्स के अंदर कौन आते हैं भैया, स्पोरोजोन के अंदर आ गया हमारा केवल एक ही याद रखना है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है, और प्लाज्मोडियम को ही कहते हैं मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। ये मनुष्य के शरीर के अंदर आता है मच्छर के द्वारा। जो हमारा मलेरिया रोग होता है ये मच्छर से नहीं होता है, मच्छर नहीं फैलाता है, मच्छर के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का जीव पाया जाता है। प्लाज्मोडियम नाम का जीव होता है जो है मच्छर से निकलकर मनुष्य के शरीर में घुस जाता है, और जब मनुष्य के शरीर के अंदर घुसता है तो ये जीव मलेरिया उत्पन्न करता है। लेकिन इस जीव को लाया कौन, वो मच्छर लाया, जो मच्छर हमने जो हमें काटा था। तो जो मच्छर होता है वो क्या करता है, एक मच्छर ही एक वेक्टर की तरह काम करता है, वो दिशा दिखाता है। मच्छर किसको दिशा दिखाता है, प्लाज्मोडियम को। तो मच्छर हमारा क्या है, वेक्टर है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, यही रोग फैलाता है, और किसको रोग फैलाता है, मनुष्य को। और इसीलिए जो है जो मच्छर होता है उसका नाम होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो प्लाज्मोडियम को लेकर के आती है मनुष्य के अंदर मच्छर, उस मच्छर यानी उस वेक्टर का नाम होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं चाहो तो वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। याद रखना, अगर पूछा जाए हमारे शरीर को काटने कौन आता है, मच्छर की मच्छरनी, तो याद रखना हमेशा जो है मच्छर नहीं काटता, कभी भी मच्छरनी काटती है। तो वेक्टर हो गया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, क्योंकि ऐसा होता है मच्छर और मच्छरनी में, मेल और फीमेल में ये फर्क होता है कि फीमेल के जो आगे हमारा चूसने वाला मुंह होता है वो डंक करने वाला होता है, भेद देता है, पियर्सिंग टाइप का होता है, सुई के आकार की तरह होता है। जो मेल का माउथ होता है मुंह, वो सकिंग टाइप का होता है, चूसने वाला प्रकार का। इसीलिए वो मच्छर जो मेल होते हैं वो चूसते हैं, जैसे कोई फल पड़ा है या कोई खाना पड़ा है उनके ऊपर लगते हैं मेल मच्छर, और फीमेल मच्छर किसी जीव को काटने का कार्य करते हैं। यानी मनुष्य को जो काटता है वो फीमेल होती है मच्छरनी, जबकि जो हमारे मेल मच्छर होते हैं वो काटते नहीं, वो चूसते हैं किसी भी सड़े गले भोजन को, या फिर जो है फ्रूट को, या फिर खुली हुई कोई चीज़ रखी है, तो इस तरीके के वो मेल मच्छर होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नए टर्न पर नए किंगडम के साथ, यानी फंजाई के साथ हम लोग बात करेंगे।